भाइयों बहनों, मैं छोटा सा था, मेरे गुरुदेव मुझे पढ़ाते थे पंजाब के बारे में। दो बातें कहते थे कि पंजाब न हो तो देश सुरक्षित नहीं रह सकता, और दूसरा कहते थे पंजाब न हो तो देश का पेट भर नहीं सकता, दोनों पंजाब ही कर सकता है, पंजाब ही कर सकता। हमला चाहे बाबर का हो, औरंगजेब का हो या पाकिस्तान का, हमेशा भारत की रक्षा करने का काम मेरे पंजाब से निकले हुए जवानों ने किया है। आज मैं गुरु तेग बहादुर जी को भी बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करना चाहता हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर से आए हुए कश्मीरी पंडितों की बात पर हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिल्ली के दरबार में देने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। ये संदेश है जो आज हिंदू सिख की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो मानते हैं कि हम बचे ही नवम गुरु के बलिदान के कारण, बचे हैं नवम गुरु के बलिदान के। ये जो झगड़ा लगाना चाहते हैं उनको गुरु तेग बहादुर जी का जीवन समझना चाहिए। मैं आज महाराणा रणजीत सिंह को भी मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। देश का सम्मान अफगानों के सामने बचाना हो या अंग्रेजों के सामने बचाना हो, महाराजा ने हमेशा पंजाब के शेर की भांति देश का सम्मान बचाया।